आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा मसाला बैंगन की रेसिपी। ये काफ़ी टेस्टी और कम से कम टाइम में बन के तैयार होता है। अगर आप नॉर्मल बैंगन की सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अंजलि, कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरवा मसाला बैंगन बनाने के लिए पहले हम इसके मसाले तैयार करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई बैठा दी, इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के साथ साथ इसमें अखा धनिया और अखा जीरा डाल देंगे। हल्का सा चटक जाने के बाद इसमें हम सिंगदाना यानी पीनट ऐड कर देंगे। जब पीनट का हल्का कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे, और अनियन जब हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम एक या दो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे, और सभी को बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। और कुक करने के बाद इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मसाला ठंडा होगा तब तक हम बैंगन को कट करेंगे। तो बिल्कुल मीडियम साइज का हमने बैंगन लिया है, और बैंगन को हम एक एक करके इसके ऊपर के कवर को हटाएंगे, और कवर को हटाने के बाद इसके डंठल को भी हम थोड़ा सा कट करके हटा लेंगे, और इसे बीच से हम कट करेंगे ताकि ये अंदर से कीड़ा तो नहीं है, इसे अच्छे से चेक कर लेंगे। एक एक करके सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सारा ही बैंगन को बीच से कट करेंगे और इसे वाटर में ऐड कर देंगे। कम से कम वाटर में 5 से 7 मिनट तक हम रखेंगे। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो 10 से 15 मिनट के लिए भी रखेंगे तो भी ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ताकि इसके जितने कड़वापन है ये वाटर में निकल जाएंगे। जब तक हमारा इधर मसाला भी ठंडा हो गया, इसे अब हम पीस लेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें गरम मसाला, रेड काश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर। इसके बाद इसे मिक्सर के जार में ऐड करके और हल्का सा वाटर इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो मसाले हमारे बिल्कुल फाइन पेस्ट होके तैयार हो गए हैं। जब तक मसाले भी इधर हमारे तैयार है और इधर हमारे बैंगन भी अच्छे से सूख के निकल गए हैं, अब एक एक करके हम मसाले को बैंगन के अंदर पहले स्टफ कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये मसाला तो हल्का लिक्विडी है, पर ये लिक्विडी है, ये बैंगन के अंदर से बिल्कुल नहीं निकलेगा और हमारा ऑयल भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। और एक एक करके हम सारा ही बैंगन को बिल्कुल अच्छे से स्टफ करके रेडी कर लेंगे। जब हमारा बैंगन स्टफ हो जाएगा तो हम कढ़ाई को गैस पे बैठा देंगे। कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हल्का ऑयल ऐड कर देंगे और एक एक करके इसमें हम बैंगन को ऐड कर देंगे। हम बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें यूज नहीं करेंगे, कम ऑयल में भी ये सब्जी बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। इसके बाद इसके ऊपर लिड लगा के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो कर देंगे। इसके बाद 5 मिनट के बाद देखिए बैंगन हमारा 50% अच्छे से कुक होके रेडी हो गया है। इसे हल्का करके हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद इसे और हम सिर्फ 30% ही कुक करेंगे। पूरा 100% हम बैंगन को कुक नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमें मसाला बैंगन भी बनाना है। तो बस ये हमारा बनके रेडी हो गया। इसे एक एक करके हम निकाल देंगे। जब तक इसके मसाले तैयार करने के लिए हमने लिया मस्टर्ड ऑयल, इसमें जीरा और हल्का मस्टर्ड और हींग। बिल्कुल अच्छे से चटकने के बाद इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे। अनियन का कलर डार्क ब्राउन होने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, और अदरक लहसुन के साथ साथ हम अनियन को बिल्कुल अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम अपना पीनट वाला मसाला, पीनट वाले मसाला जो कि स्टफ बैंगन का बचा था, और बिल्कुल अच्छे से इसे गैस के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेंगे। फ्रेंड्स, कभी सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सब्जी इतना टेस्टी लगता है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी उंगलियां चाट के खाते हैं। और स्वादानुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और इसे लिड लगा के हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लिड लगाने के बाद ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। इसे और अच्छे से हम थोड़ा कुक कर लेंगे ताकि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भूज के रेडी हो जाए। मसाले हमारा बिल्कुल परफेक्ट होके रेडी हो गए हैं। इसमें हम हल्का हल्का करके वाटर ऐड करेंगे। एक ही बार हम बहुत ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करेंगे। मसाला बैंगन की ग्रेवी हल्का ठीक ही बहुत अच्छी लगती है। ये ग्रेवी हमारा परफेक्ट है। एक एक करके हम बैंगन को इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे, और इसमें हल्का कोरिएंडर लीव्स और कटा हुआ ग्रीन मिर्ची के लड़छे हम इसमें ऐड कर देंगे।
आप अपने स्वादानुसार इसमें रेड मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मुझे सब्जी में लच्छे कटे हुए ग्रीन मिर्ची पसंद है, इसलिए मैंने ग्रीन मिर्ची इसमें ऐड किया है। लिड लगा के इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे और ये कुक होके रेडी हो गया है। बिल्कुल अच्छे से इसे चला लेंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल चिपके नहीं। और इसमें अच्छे से चटपटा टेस्ट आने के लिए आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हल्का सा कोरिएंडर लीव्स ऊपर से ऐड कर देंगे ताकि स्वाद के साथ साथ ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत दिखे। और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे, लिड लगा के इसे रख देंगे। अब इसके स्वाद को डबल करने वाला ये है जो कि हमारा घी और तिल का तड़का। घी हल्का गर्म हो जाने के बाद तिल ऐड कर देंगे। तिल बिल्कुल अच्छे से जब चटक जाए तो हम इसके तड़के लगा देंगे। फ्रेंड्स, कभी इस स्वाद के अनुसार मसाला भरवा बैंगन बनाइएगा और मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके बाद आप इसे रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि।